हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने ग्रिड मेथड से आउटलाइन ड्रॉ करना बताया और आज इस वीडियो में उस आउटलाइन को शेडिंग करना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम आउटलाइन को इरेज कर लेंगे। आउटलाइन हमेशा लाइट पेंसिल से ड्रॉ करें, 2H या 4H से। ड्रॉ करते टाइम पेंसिल पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई ना करें, वरना इरेज करने में थोड़ा मुश्किल होगा। जितने भी लाइंस हैं अच्छी तरह से आप सबको इरेज कर लें। आईज, नोज, लिप्स एरिया को इरेजर पेंसिल से आप इरेज कर लें। हेयर से ग्रिड लाइन का इरेज करने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हेयर डार्क होता है तो लाइंस विजिबल नहीं होगा। मैंने यहाँ डार्क पेंसिल से आउटलाइन बनाया था ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो, तो अभी मैं नीडेड इरेजर की हेल्प से एक्स्ट्रा ग्राफाइट को वहाँ से हटा दे रही हूँ। मैं यहाँ आईज से शेडिंग करना स्टार्ट करूँगी। उसके लिए टॉम्बो मोनो का ग्राफाइट पेंसिल यूज करूँगी, इरेजर कोहिनूर का इरेजर पेंसिल, नीडेड इरेजर। डिटेलिंग के लिए मैं यहाँ मैकेनिकल पेंसिल यूज कर रही हूँ और ज़्यादा डार्कनेस के लिए स्टेडलर का डबल ई यूज करूँगी। सो शेडिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइरिस को हम बी पेंसिल से बेस लेयर देंगे, फिर ब्लेंडिंग स्टम्प से उसे ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद आप 4B पेंसिल से डार्क लेयर देना स्टार्ट करें और ध्यान रहे आप हाईलाइट को लाइट ही रहने दें। रेफरेंस को ऑब्जर्व करते हुए आप डार्कनेस अप्लाई कर लें। शेडिंग प्रोसेस को धीरे धीरे आराम से करें। आप डायरेक्टली डार्क शेड से फिल न करें, लेयर बाय लेयर करके फिल करें। रेफरेंस को ऑब्जर्व करते हुए मैंने 4B पेंसिल से आईलाइनर ड्रॉ कर लिया और कॉर्नर को भी डार्क कर लिया। स्टेप बाय स्टेप देखना, अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना, किस तरीके से शेड करूँगी, किस तरीके से ब्लेंड करूँगी, कैसे हाईलाइट दूँगी एक्सेट्रा। आईलिड के फोल्ड को 4B पेंसिल से ड्रॉ कर लें और ब्लेंडिंग स्टंप से ब्लेंड कर लें। टू बी पेंसिल से आईब्रो बना लें, डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे डार्क कर ले 3B और 4B पेंसिल से अकॉर्डिंग टू योर रेफरेंस। बी पेंसिल से आई के आसपास के एरिया को बेस लेयर दें और ब्लेंड कर लें टिश्यू पेपर से या तो फिर ब्रश से, जो आपको ठीक लगे। शैडो वाले पोर्शन के लिए 2B या 3B का लेयर देते जाएं और साथ में ब्लेंड भी करते जाएं। एक्चुअली ब्लेंडिंग प्रोसेस की वजह से शेडिंग थोड़ा लाइट हो जाता है, सो आई ऐड मोर शेडिंग अगेन।
लाइट को भी डार्क कर लें और जो छोटा छोटा आईलैशेस है उसको भी ड्रॉ कर लें रेफरेंस को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करते हुए। टू बी पेंसिल से आई के लोअर रीजन को हम डार्क कर लेंगे। डोंट फॉरगेट टू ब्लेंड दैट डार्कर लेयर्स। लास्ट में मैंने डिटेलिंग के लिए मैकेनिकल पेंसिल यूज किया है 0.5 का, जिसमें 4B का लेड है। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम सेकेंड आई भी बना लेंगे। लाइट टू डार्क करते जाएंगे, बी से 4B पेंसिल को यूज कर लेंगे, लेयर बाय लेयर यूज करेंगे, लाइट प्रेशर से डार्क शेड करेंगे, प्रेशर बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। अच्छे से ऑब्जर्व करें मैं किस तरीके से लेयर्स अप्लाई कर रही हूँ, किस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ, कहाँ ज़्यादा डार्क और किस तरीके से डार्क कर रही हूँ और किस तरीके से लाइट अप्लाई कर रही हूँ, ये सारा आप अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करें। वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से वॉच कर लें। अब हम नोज सेट करेंगे जो कि बहुत सिंपल है। 4B पेंसिल से मैं नोस्ट्रिल को डार्क कर लूँगी और आपके रेफरेंस के हिसाब से आप नोस्ट्रिल को डार्क कर सकते हैं या लाइट कर सकते हैं। ब्लेंडिंग स्टंप से ब्लेंड कर लें नोस्ट्रिल को। पेंसिल से बेस लेयर दे दें और टिश्यू पेपर से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लें। यूज 2B पेंसिल फॉर डार्कर शेड। नोज का जो ब्रिज होता है उसमें शेडिंग ज़्यादा हार्श नहीं होता, सो जो टिश्यू पेपर में ग्राफाइट होगा उसी को हम लाइटली अप्लाई कर लेंगे। अब हम रेफरेंस को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हुए डार्कर लेयर अप्लाई कर लेंगे और हाइलाइट्स देने के लिए नीडेड इरेजर यूज कर लेंगे। डिटेलिंग के लिए फिर से मैं यहाँ मैकेनिकल पेंसिल यूज कर रही हूँ। आज के वीडियो में मैंने आईज और नोज को कवर कर लिया है, बाकी के फीचर्स हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।